सो इट्स वेस्ट का स्टार्ट। मैं हूँ आज आप देख रहे हो दिया शो बहुत सारे के ब्रांड न्यू वीडियो में, और आज फिर से हम खेले हमारे स्पाइडरमैन वेवर शैडोज़। और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज फिर से। फाइनली हम गेम के बिल्कुल एंड पहुँच चुके हैं फाइनली। पता नहीं क्या लोगों को दिक्कत है यार, मेरे को इंट्रो से क्या दिक्कत है। तो फिलहाल इग्नोर करते हैं सब लोगों को, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं हमारा गेम, क्योंकि हमारा स्टार्ट हो रहा है आज। ब्लैक कैट से फाइट होने वाली है, और भाई साहब गेम बिल्कुल एंड पे चल रहा है। और सब्सक्राइब नहीं कर देना, लाइक नहीं कर देना। मैं कहता नहीं हूँ, बहुत कमी से कहता हूँ, शुरू में बहुत कमी से कहता हूँ, ऐसा कहता ही हूँ, फिर कर देना जो नहीं कर रहा है। तो और गेम डाउनलोड करना चाहते हो, खेल सकते हो, एंड्रॉइड वर्जन जी का हमेशा मैं लिंक मिल जाएगा, चेक कर सकते हो। मैं कभी कभी बहुत तेज़ बोलता हूँ तो आपको समझ नहीं आता होगा, पर कोई नहीं समझ जाओ ठीक है। तो गेम से अगर आपको दिक्कत है, परेशानी आए, तो मुझे इंस्टाग्राम पूछ सकते हो, कमेंट पूछ सकते हो, पता ही होगा आप लोगों को। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं गेम, जैसे हमने छोड़ा था स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हमने पिछले पार्ट ही से छोड़ा था, और फिलहाल हम स्टोरी मोड में है, और अब हमारा लास्ट मिशन कम्प्लीट हो चुका है गेम का। बहुत ज़्यादा मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मैंने पार्ट कम्प्लीट करा, हालांकि बहुत टाइम लगा पर कर लिया। और अब जा रहा हूँ ब्लैक कैट से फाइट करने। फिलहाल स्टोरी मोड चल रहा है, जो कि हमने शायद गेम के फर्स्ट पार्ट में भी देखा था, ये सेम स्टोरी मोड था। और अब मुझे समझ आया ये स्टोरी मोड कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो। मैं पहले पार्ट आपसे जब पहला पार्ट खेल रहा था, फिर मैंने कहा था ये स्टोरी मोड को दोबारा देखने को मिलेगा, और ये पार्ट आगे जाके कनेक्ट होगा, वही हो रहा है। देखो ये पार्ट यहाँ से दिखाया गया था, सेम स्टोरी मोड है, बस थोड़ा सा ज़्यादा है क्लियरिटी दिखाया कि अब हुआ क्या था यहाँ पर, कैसे कैसे हुआ था। और अब आ जाने वाला है मज़ा फाइनली, क्योंकि अब यार शांत रख लो प्लीज़, बैकग्राउंड शांति नहीं है। अब जो है मज़ा देखो, ये रहा वो सेम स्टोरी मोड, देखा। पता नहीं यार लोगों को क्या आफत है यार, पता नहीं मेरे यहाँ पर ना बहुत दिक्कत है लोगों, मैंने जहाँ में रहता हूँ बिजनौर में, बिना बात के हॉर्न में जाते रहते हैं, यहाँ कोई काम में रोड बिल्कुल खाली भी हो, ये बहुत दिक्कत पड़ती है मुझे वीडियो बनाने में। कितने अच्छा माइक यूज़ कर लूँ, कितना अच्छा कुछ ले लूँ, फिर भी ऐसा नहीं, मेरे बहुत महंगा माइक है, पर फिर भी यार सही है। Had to use that thing one more time. ओके तो फिलहाल अगर रुक जा भाई, क्या कर रहा है, आफत आ रही है तुझे भाई, रुक जा हट जा, मैं तो सलेंडिंग मोड में नहीं हूँ, तुमसे लड़का आ रहा हूँ तेज से। तो मैं ये कह रहा था, हालांकि बैकग्राउंड नॉइज अभी भी है, पर मैं फिलहाल ये कह रहा था कि अब मैं फाइनली, यार क्या आफत हो गई आज, फाइनली अब मैं जा रहा हूँ ब्लैक कैट से लड़ने। गेम 90% ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने एंड्रॉइड में खेला है सबसे ज़्यादा, मैं इसलिए इसी बात पर खुश हूँ। और मैं पहला यूट्यूबर हूँ मेरे हिसाब से, गेमिंग यूट्यूबर, जिसने एंड्रॉइड में पूरा गेम खेला है, पूरा मतलब साथ में पूरी सीरीज़ डाली है, मैंने एक एक पार्ट डाला है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाबा कह रहा हूँ उस बात को, मैं जानता हूँ, तारीफ़ नहीं करना चाह रहा अपनी, पर तारीफ के लायक हूँ इस बारे में, ठीक है। हर किसी बहुत से यूट्यूबर्स ने करा नहीं है, और कुछ लोग तो सिर्फ गेम डाउन करना सिखा देते हैं, पूरा गेम प्ले नहीं दिखाते सही से। मैंने सब कुछ दिखाया है आपको, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फाइनली गेम कम्प्लीट होने वाला है, अब लगातार बॉस फाइट है इसके अंदर तीनों के तीनों। अब ब्लैक कैट से फाइट है, उसके बाद डायरेक्ट वल्चर से फाइट है, उसके बाद डायरेक्ट वेनम से फाइट है। मज़ा आने वाला गेम में, बस ये गेम मेरे इस हफ्ते, इस वीक में या इस अगले वीक में कम्प्लीट हो जाएगा। बैकग्राउंड में नॉइस बहुत परेशान करते हैं, मैं जानता हूँ, मैं बार-बार अब कहता हूँ ये बात, आप सोच रहे हैं कि अच्छा माइक ले लो, भाई माइक की भी दिक्कत नहीं है भाई, मैं रोड बस क्या कहूँ यार, यहाँ के लोगों को चैन नहीं है, बस क्या कहूँ। ओके ये रही अपनी फेलिशिया, जो कि अभी सिम्बियोट के चक्कर में पड़ चुकी है, और ओके काफ़ी तेज जा रही है, मैं तो इतना तेज में भी जा सकता हूँ, सिम्बियोट तेज चलता हूँ मैं। फाइट तो मस्त हो रही है, वैसे है ना, मज़ा आ रहा है फाइट करने, पर मुझे पता बात क्या है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस फाइट में, कोई लिटरली कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरी फाइट आराम से लड़ लूँगा, पहले लड़ी है फर्स्ट पार्ट भी ऐसे दर्ज करा हुए, पर एक दिक्कत पता क्या मुझे, इसमें पता है आगे आके मैरिज होने वाली है, उसका हेल्थ का नाटक होने वाला है, वो हेल्थ का नाटक मुझे बहुत बेकार लगता है,
या तो यार या तो लड़ लो या बचा लो किसी को, ये एक काम तो कर लूँगा एक साथ में, पता यार ये दो तो काम बहुत बेकार लगता है करने, और वो आ जाएगी थोड़ी देर में मुझे वो बेकार लगेगा, उसे बचाना पड़ेगा मुझे। यार भाई हट जाओ प्लीज़, बैकग्राउंड से हट जाओ, मुझसे मत आओ, मेरा मूड अब ख़राब हो रहा है क्योंकि मैं सर चाहे तो सिमजोट हो रहे हैं और ये ओके। तो फिलहाल से तो पंचू पंच मतलब हैंड टू हैंड लड़ना बेकार है, मैंने देखा है उसकी फाइट, और मैं जो फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट बॉस फाइट थी इसकी थी, और उसमें भी मैंने स्ट्राइक करी थी, क्योंकि हैंड टू हैंड लड़ना से इसलिए बेकार है क्योंकि फास्ट बहुत है और ये आपको हैंड टू हैंड में लड़नी नहीं देगी आप आपसे। टारगेटिंग कर रखी थी यार, टारगेटिंग आ गई मेरी, इसमें मैंने टारगेटिंग कर रखी थी यार, ऐसा कैसे टारगेटिंग हटा दी इन्होंने मेरी अपने आप ही, ऐसा पहली बार हुआ है। फिलहाल मैं रेड सूट देख रहा हूँ ट्राई करके, क्योंकि ब्लैक सूट का डैम बेस्ट ट्रैक मुझे अच्छी नहीं लग रही। वैसे यार मैं एक पागलपन करा से बताऊँ तो आपको, जो कि पागलपन क्यों क्या कह रहा है, मैंने ना एक गलती ये करी, मतलब पागलपन कह रहा था, मैंने चक्कर में ही रहा, मैंने अपने रेड सूट को ग्रेड तो कराया पर बहुत थोड़ा कम कराया, और ब्लैक सूट को ज़्यादा ग्रेड कर रखा है मैंने क्योंकि मुझे वो ज़्यादा पसंद था, और अब मुझे ये लग रहा है कि यार लास्ट फाइट में रेड सूट ही काम आएगा, मेरा ब्लैक सूट होगा नहीं मेरे पास, तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा पागल रह गया। हालांकि मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं चाहूँ तो अपग्रेड कर सकता हूँ, ये ध्यान नहीं आ रहा, मैं ध्यान से निकल गई बात, तो उस फाइट के बाद मैं पहले जाके अपग्रेड करूँगा अपने स्पाइडी को और ज़्यादा रेड सूट को, फिर मैं खेलूँगा आगे आगे, क्योंकि मुझे लगता है कर लेना चाहिए क्योंकि गेम में से भी एंड चल रहा है। तो फिलहाल गेम स्मूथ चल रहा है ना, लगभग स्मूथ चल रहा है मेरे हिसाब से, फास्ट इतना स्लो चल रहा मुझे जैसी उम्मीद थी, क्योंकि ऊपर लड़ रहा हूँ बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग में यहाँ गेम स्मूथ चलता है। अरे इसे नहीं मारना था यार, किसे मार रहा है यार, उसे ये अटैक उस पर करना था यार, इतना अच्छा अटैक वेस्ट कर दिया उस बंदे ने। हालांकि पिछली बार मैंने एक वीडियो आपसे पूछा था कि स्पेशल अटैक होता है इसके अंदर, इसको पंच पंच करता रहता है लगातार वो, और बहुत से लोगों ने बताया, एक बंदे ने मुझे कमेंट करता कि भाई वो ए प्रेस करो लगातार क्विकली, वो बहुत ही से उससे होता है। तो भाई अगर आप दोबारा बता सकते हो बता दो, क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आया था, क्योंकि वैसा मैंने बहुत सो देखा है वो हवा में कर देते हैं, वो अटैक करते हैं हवा में फाइट अटैक कर लेते हैं, मुझे बस समझ नहीं आया कैसे करना है वो अटैक सच में। ये बात अच्छी है, पता है मैंने दोनों फाइट देखी है लगभग, मुझे सबसे ज़्यादा लास्ट वाली फाइट, अब दोनों फाइट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी की हेल्थ वगैरह बचानी है, खाली इस फाइट में है कि मैजिन आएगी, मैजिन की हेल्थ, मैजिन बेकार में आई है वैसे, मैं देख रहा हूँ मैजिन में कोई काम नहीं है, मैं अकेला संभाल सकता हूँ इन सबको, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला सबको संभाल सकता हूँ इन सबको, अब बेकार वो आएगी उसकी हेल्थ, उसे उल्टा उसे बचाना पड़ेगा, देख रहे मैं इसको मारते मारते इन सबको भी मार सकता हूँ देखो इस तरीके से। यार भाई बड़े क्या भाई क्या दिक्कत हुई मुझसे आज, वीडियो में ध्यान दे रहे मुझे, ओके आ गई यार ये क्यों आई यार, बेकार ही आई, मेरा काम बढ़ाने आ गया, मुझे दिक्कत पड़ेगी और ज़्यादा, देखो पागलपन तक क्या है, कितनी बिल्कुल पास में आई खड़ी हुई है उसकी, ये पागलपन ही है सही बताऊँ तो, मतलब अगर खड़ा होना था तो उसके पास ग्लाइडर है जो भी है वो शील्ड का ओवरक्राफ्ट, उस पर थोड़ा ऊपर खड़ी हो जाती हवा में ताकि सिम्बियोट वहाँ पहुँच ना पाते, मतलब बिल्कुल वहाँ खड़े हो गए यहाँ सिम्बियोट पर आराम से पहुँच सकते हैं, मतलब पाले वाली हरकत है सही बता रहा हूँ। फिलहाल मैं मेन गोल इसे मारना, क्योंकि मैंने देखा है इसे मार दिया तो काम नहीं पड़ जाएगा जल्दी, अगर बैजों को बचाने चक्कर में रहा तो ब्लैक कैट फायर अटैक इस बात का, ब्लैक कैट मुझे मारेगी और मेरी हेल्थ खत्म हो जाएगी और मैं मर सकता हूँ, और चक्कर में मेरी मर सकती है और फाइट बेकार हो सकती है, तो मैं फिलहाल चक्कर में ही पड़ूंगा ज़्यादा, देखो इस तरह से मैजिन को बचा भी सकता हूँ मैं, और मैं मेनली ब्लैक कैट को मारूंगा क्योंकि ब्लैक कैट मर गई तो मिशन फेल्ड होगा ही नहीं, साइड से बात है मिशन पास हो जाएगा।
थोड़ी बहुत हेल्थ खराब भी हो जाएगी मरीजिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कुछ करने की खड़ी है बच्चा, कुछ मेरे काम तो आने रही उतनी खास, काम बढ़ाना है ये मेरा सब। अरे इसे नहीं करना यार, टारगेटिंग कैसे चेंज हो गई मेरी यार, टारगेटिंग चेंज हो गई भाई, टारगेटिंग चेंज हो गई यार। ओके तो फिलहाल वीडियो वहीं खत्म करते हैं, पार्ट थोड़ा अच्छा रहा, फाइट अब चल रही है, अभी आधी फाइट बची है तो अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मैं चाहता तो उस पार्ट में कर सकता था, पर वल्चर की फाइट भी आएगी तो सोच रहा हूँ उसी फाइट में खेल लेंगे, फाइट भी दोनों को मिला दूंगा, आपको भी अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा सस्पेंस बनेगा। तो मिलता है अगले पार्ट में, उसके लिए बाइट टेक किया, गेमिंग करते रहो, चाहो तो यार वीडियो सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, पसंद आए वीडियो को तो लाइक करना शेयर करना, इतना ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, बाय, टेक केयर।